बैक होने का तात्पर्य था कि चलिए आ गए हैं तो चुनाव वहां पर लड़ें और चंद्रवंशी जी कम से कम न जीते ताकि एनडीए का मनोबल टूटे और दोबारा एनडीए ये गलती न दोहराए। लेकिन ये काम हो नहीं पाया और लोगों में माननीय सांसद जी के प्रति भी एक आक्रोश था। अब वो सीट छोड़कर कहीं दूसरे जगह घूम रहे थे इसलिए आक्रोश था या क्यों था नहीं जानते हैं, लेकिन हमने जो क्षेत्र में घूमा तो ये पाया। और लगभग जितना सांसद महोदय को वोट मिला लगभग उतने ही वोट नोटा को पड़ गया। 32,000 वोट सांसद महोदय को मिला और उतने ही 29,000-30,000 वोट नोटा को मिला। तो आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। और 1500-1600 वोट से चंद्रवंशी जी जीत गए तो नीतीश जी का मनोबल फिर टाइट। अब तो कंफर्म हो गया कि 2024 में भी देना है तो दे दिए। अब करना क्या है? अब तो माननीय लोग से संपर्क कर रहे हैं, वाले अरुण बाबू फोन नहीं उठा रहे हैं, राहुल जी कंफर्म कर दिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये छोड़ देना चाहिए फिर वैसे ही जैसे पहले चलता है या बाकी सीटों पर जैसे लाचार हो गए हैं लोग मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, महाराजगंज में, मोतिहारी में, पाटलिपुत्रा में लोग लाचार हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं दिखता और अब हिम्मत भी नहीं रही विरोध करने की, तो क्या उसी तरह से छोड़ दिया जाए या लड़ा जाए? क्योंकि हम तो कई बार कहें कि भाई हम चुनाव देखिए हमारे पास कोई पूंजी नहीं, ना हम पैसा कमाए हैं और ना कोई पद कमाए हैं, पद यानी कि सांसद विधायक मंत्री नहीं बने हैं और ना पैसा कमाए, कमाए हम नाम और इज्जत प्रतिष्ठा। समाज यदि विश्वास दिलाता है कि नहीं आपको इज्जत प्रतिष्ठा आपकी बचेगी और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा तब हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम नहीं लड़ेंगे। और इस प्रकार से बोलने वाला शायद पहला मैं कैंडिडेट हूं जो ये बात कह रहा हो कि समाज के लोग यदि कहेंगे कि हम आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बचाएंगे तब आप चुनाव लड़िए, हम लड़ेंगे। और यदि समाज के लोग एकमुश्त होकर वोट देने को तैयार नहीं है, उसी तरह से अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, तो भैया फिर जाइए, फिर केवल हमें समस्या थोड़ी है, केवल आशुतोष का ही जहानाबाद लोकसभा है। अरे मेरा जहानाबाद संसदीय गृह क्षेत्र है लोकसभा, तो मेरे जैसा तो और 12 लाख 14 लाख वोटर है, उनका भी तो है, केवल मेरा तो है नहीं। तो यदि आप लोग तैयार हैं इज्जत बचाएंगे और तन मन और धन से, अर्थ का जमाना है, घर घर से सहयोग करना होगा, ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम गाड़ी डीजल और पेट्रोल देंगे आपको रैली सभा में आने के लिए, संभव नहीं मेरे पास। ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम दारू मुर्गा के लिए पैसा देंगे और वोट कीजिएगा, ये संभव नहीं है ही नहीं और रहेगा भी तब भी नहीं देंगे। आपका यदि जायज मांग होगा, आपके साथ यदि समस्या होगी, आपको कोई परेशानी होगी, आपके सुख और दुख में आप वोट दीजिए या मत दीजिए, वहां से चुनाव लड़े या न लड़े, हम जैसे 12 साल से आपके साथ खड़े आए हैं वैसे ही आगे भी खड़े मिलेंगे आपकी व्यक्तिगत परेशानी में, जहां सामाजिक मामला होगा। देखिए अभी 4500 बहालियां निकली थी स्वास्थ्य विभाग में, कोई लोग भी जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हो, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, या रंगदार हो, या चौकीदार हो, किसी का मुंह खुला, सबको बस आपसे वोट चाहिए। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तानाशाही डिसीजन के खिलाफ वो एक शब्द बोल सके, सबको टिकट चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति अभी मर्द से खाली नहीं हुआ है धरती, वीर विहीन कभी धरती होता नहीं। पूरे बिहार में एनडीए का विरोध प्रदर्शन का धमकी दिया गया ट्विटर पर लगातार, 2-3 दिनों तक ट्रेंड चलता रहा सवर्ण विरोधी बीजेपी और स्वर्ण विरोधी बिहार सरकार, और अगले ही दिन हम लोग पूरे बिहार में एनडीए सरकार का पुतला दहन करने वाले थे और कल पुतला दहन होना था और आज शाम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डिसीजन लेते हैं
कि ये बहाली तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। चुप रह जाते तो भी 4500 की बहाली हुई थी, उसमें आपको जीरो सीट मिला था सामान्य वर्ग को, जीरो। अगली बार फिर 45,000 की बहाली निकलते, फिर जीरो हो जाता। क्या कर लेते, आप क्या उखाड़ लेते। और जो नेताजी के आते ही लोग उछलने लगते हैं कि नहीं फलाने बाबू आ गए, बाबू बैठ जाइए। ठीक है, बैठ गए, कोई बात नहीं, यदि इज्जत बचा लेते हैं तो बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आज फिर कह रहे हैं, समाज के लोग यदि एकमुश्त खड़ा होने को तैयार हैं तब ये आशुतोष कुमार अपनी इज्जत दांव पर लगाएगा, और नहीं तो अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। हमको जो प्रतिष्ठा मिला है हमारे लिए बहुत है, हमको जो सम्मान मिला बहुत है, हमको नहीं बनना सांसद विधायक, नहीं बनना है हमको कोई मंत्री, ये प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत है। लेकिन एक तकलीफ है, एक दर्द है कि बारी बारी से हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। तो जहानाबाद में इस बार हमारी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि नीतीश कुमार जो दुर्योधन की भूमिका में आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि सुई के नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे, तो भैया 5 साल वनवास हम लोग काट लिए पांडवों की तरह, अब ये सुई की नोक बराबर जो आप नहीं देना चाह रहे नीतीश जी, तो फिर जहानाबाद के कुरुक्षेत्र मैदान में आप आ जाइए और फरियाद लीजिए, पांडव भारी पड़ता है कि कौरव भारी पड़ता है, आपसे फरियाने के लिए तैयार। लेकिन कम से कम पांडव पांचों हमारे साथ खड़े रहें, अपने हमारे साथ खड़े रहें, आपसे फरियाद। और यदि फिर, या फिर जहां जिसके बारे में समाज के लोग कह दें कि फलाने व्यक्ति को, फलाने बाबू को लड़वाइए, हम लड़ाएंगे, लेकिन हम बार बार ये जलील नहीं होंगे। यदि समाज के लोग एक तरफ कहें भी कि आप चुनाव लड़िए, और दूसरी तरफ मेरे घोषणा करने के बाद, क्षेत्र में घूमने के बाद 2-4-5 दिन बढ़िया माहौल बन जाए, तो फिर कोई बाबू और कोई भैया आ जाए और कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो भैया ये बार बार हमारे बस की बात नहीं है, एक बार छोड़ दीजिए, वो आप इज्जत बचा नहीं पाए। और अब यदि आते हैं बाद में, तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा और फिर दोबारा हम बैठेंगे नहीं। तो चाहे हमारी इज्जत चली जाए, चाहे आपकी इज्जत चली जाए, चाहे पूरे समाज की चली जाए, फिर हम बैठेंगे नहीं, एकदम कंफर्म बोलते हैं। इसलिए 28 तारीख तक का समय, 28 तारीख को 4 बजे शाम में हम जहानाबाद में प्रवेश करेंगे, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र से, चाहे वो अरवल का क्षेत्र हो, कुर्था का हो, चाहे अतरी का हो, चाहे जहानाबाद का हो, चाहे मखदुमपुर का हो, किसी एक क्षेत्र से हम प्रवेश करेंगे जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। और उस दिन के बाद जो हम प्रवेश करेंगे, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक हम जहानाबाद में ही रहेंगे, गांव गांव में जाकर, लोगों के बीच में जाकर अलख जगाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, यदि आपने आदेश दिया है तो आप साथ दीजिए, और साथ दीजिए तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं, कोई विश्वास दिलाए नहीं दिलाए, कोई क्या करता है हमको नहीं पता, लेकिन ये माई का लाल ये ऐसा पैदा लिया है कि 2029 में छीन कर एनडीए से जहानाबाद का सीट आपके झोली में डाल देंगे, इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास हम दिला रहे हैं। जीत और हार की नहीं कर रहे हैं 24 में हम, लेकिन आप यदि साथ खड़े हो गए, आप यदि एकमुश्त हमारे साथ खड़े हो गए, तो ये तो तय है कि जहानाबाद में इस बार त्रिकोणीय हो जाएगा। आपकी मर्जी, बाबा परशुराम की मर्जी, भगवान कृष्ण की और सबकी मर्जी रहेगी, तो ये सीट निकलेगा भी, चुनाव जीतेंगे भी, और हो सकता है कि 24 में ही आपके झोली में सीट चला जाए, और 24 में नहीं गया तो अगले 29 में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि आपसे यह सीट आपका छीन सके। लेकिन आपको तैयार रहना होगा, ये नहीं कि भाई भक्ति नहीं चलेगा, भक्ति चलेगा तो खूब एकदम भक्ति में लीन हुई, हमको कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना रास्ता देखेंगे, जैसे हम काम कर रहे हैं करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों अपनी इज्जत प्रतिष्ठा फिर दांव पर लगाएंगे। और जब इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो पहले हम ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, पहले हम कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जो टीस मेरे भीतर है, जो दर्द मेरे भीतर है, वो समाज के अन्य लोगों के भीतर भी ये दर्द है, ये जब मुझे महसूस हो जाएगा गांव में घूमने के बाद, तो फिर हम, वैसे तो चूंकि
अब आप कहेंगे एक एक चीज आपको क्या दिखाएं, मतलब कल से जब से नॉमिनेशन, जब से घोषणा हुआ है नाम का चंद्रवंशी जी का, कहीं के प्रखंड प्रमुख, कहीं के जिला परिषद, कहीं के मुखिया, कहीं के पंचायत समिति, या आम किसान, आम नागरिक, आम युवा, न जाने कितने लोगों का कॉल है। आप चुनावी मैदान में आइए, सबसे हम यही बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तब जब आप लोग पहले विश्वास दिलाइए कि हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी, प्रतिष्ठा बचाने भर आप लोग साथ देंगे। और यदि आप हमारे साथ केवल इस उद्देश्य के साथ खड़े हो गए ईमानदारी पूर्वक, तो हमारी प्रतिष्ठा भी बचेगी, ये सीट भी बचेगी, और फिर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, कि आपके कोटे से ये सीट आपका छीन सके। तो चलिए, हम बस यही संदेश आपको देना चाह रहे थे और ये संदेश दे चुके हैं। 28 तारीख तक यदि कोई मैदान में आता है, यदि वह उस तरह के आदमी जिस पर भरोसा हो कि हमारी इज्जत बचा लेंगे, जो इज्जत नहीं बचा पाएंगे उनके भरोसे जहानाबाद अब नहीं छोड़ा जाएगा, जो इज्जत नहीं बचा पाएंगे उनके भरोसे अब जहानाबाद नहीं छोड़ा जाएगा, स्पष्ट बात है। और हम मैदान में आएंगे 28 तारीख से, हम जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आप सबों के बीच में तब तक रहेंगे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा। और वैसे भी चुनाव से बहुत लेना देना है, चुनाव से पहले भी आपको जरूरत पड़ी है, आप याद किए हैं, आपके पास रहे हैं, चुनाव में, चुनाव के बाद भी आपके पास रहेंगे। वोट मिलना न मिलना हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा प्रत्याशी धरती पर आज तक पैदा नहीं लिया होगा जो कहेगा कि हमको वोट दीजिए नहीं दीजिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इज्जत जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, थोड़ी टीस तो रहेगी कि जो प्रतिष्ठा बचा था वो भी गंवाएं, और नुकसान आपको होना है कि कम से कम 24 न सही 29 में आपके कोटे में ये सीट आ जाता, वो नहीं आएगा, वो वंचित रह जाएगी। इसलिए तय आपको करना है, हमको तय नहीं करना है, हम आपके हैं। जो आदेश कीजिए, हम तो कह चुके हैं कि अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर चुके हैं, समाज के लोग जो आदेश देंगे हम करेंगे, जैसा आदेश देंगे हम करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या आदेश देते हैं और कितना साथ देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।